शारदीय नवरात्रि में उत्सव मनाया जाता है। ये नवरात्रि है, नवरात्रि का एक भाव है नवरात्रि, सात आठ नौ जैसे नवरात्रि। लेकिन इस वर्ष जब जगदम्बा की आज्ञा हम सबको ये है कि अब आसन लगा करके साधना के रूप में मां की ओर वैचारिक यात्रा की जाए, तब हमें नवरात्रि का आध्यात्मिक रूप समझना होगा। सात आठ नौ तो है ही, लेकिन नवरात्रि का आध्यात्मिक स्वरूप यह है, नव यानी नया, नई रात्रि, नए प्रकार की रात्रि। संसार अपने आप में एक रात्रि ही है, जिस रात्रि में ठीक से कोई चीज नजर नहीं आती अंधारे में, उस प्रकार जब ये जीवात्मा जगत में आती है और सांसारिक कर्तव्यों में जब वो फंस जाती है, तो उसके बाद अब कैसे निकले इसमें से कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है, संसार के कामों से, सांसारिक जिम्मेदारियों से, सांसारिक कर्तव्यों से धीरे 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 हमें सरकना चाहिए। जो संसार से धीरे धीरे सरकना शुरू कर देते हैं वो भी गरबा खेल रहे हैं। ये बहुत सुंदर गरबा है, कोई संत जानता है, कोई योगी जानता है, भोगी नहीं जानता कि इसमें से कैसे कौन कब सरक जाता है। और हमें संसार के कामों से विवेक बुद्धि से, कोई दुखी ना हो, कोई नाराज ना हो, कोई बर्बाद, ये सबका ख्याल करते हुए हमें धीरे धीरे अपनी आत्मोन्नति करनी पड़ेगी। हमें धीरे धीरे संसार की जिम्मेदारियों से हंसते हुए प्रसन्नता से धीरे धीरे किसी के ऊपर जवाबदारी सौंपते हुए, उसका विश्वास करते हुए, उसको तैयार करते हुए हमें अपने अपने उद्धार के लिए हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अपना कल्याण हम खुद ही कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुद ही खुद के कल्याण के लिए गंभीर नहीं है, उसका कल्याण कोई नहीं करेगा। जो खड्डे में गिरा हो वो स्वयं खड्डे से निकलने के लिए 100% प्रयास करता है, तब बाहर वाला कोई उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर कर सकता है। लेकिन जो खड्डे में पड़ा है वो अपनी ओर से इतना भी प्रयास नहीं करेगा निकलने के लिए, तो बाहर की कोई मदद उसको बाहर नहीं कर सकती, उसको निकाल नहीं सकते। स्वयं जिसको निकलना है वो स्वयं भी तो इसके लिए पूरा प्रयास करे, आवाज दे, हाथ उठावे, कूदे, चिल्लावे, रोवे, उसे जो बनता है करे, तब तब बाहर से कोई उसको बाहर कर सकता है। संसार से हम लोग गरबा खेलना शुरू अगर नहीं कर देते, यानी सरकना शुरू नहीं कर देते हैं, तो उम्र तो सरक ही रही है। जब बाल सफेद होने लगते हैं तो सबको लगता है कि बस इतनी जल्दी,
जब 50 साठ के हो जाते हैं तब लगता है कि अभी थोड़े दिन पहले हम दुनिया में आए हैं। अरे 50 निकल गए, 60 निकल गए, लेकिन जब 100 निकल जाएंगे, 100वां वर्ष होगा, तब भी ऐसा ही लगेगा कि हम तो अभी अभी आए हैं। इतनी जल्दी कैसे निकल गया टाइम।